जी हाँ, लेकिन जितना महत्व पूजा विधि का है उतना ही महत्व है पूजा मुहूर्त का भी, और ये आप सभी कालचक्र के दर्शक जानते हैं। तो चलिए दीपावली की पूजा पंडित जी शुरू करें, विधि विधान आपको बताएं। उससे पहले आइए जानते हैं आज लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सबसे पहले तो इसी के साथ शुरुआत और संदेश के साथ आपकी, क्योंकि बहुत पावन बहुत खास दिन है। देखिए, आज अमावस्या तिथि दोपहर 2:44 से शुरू होगी, जो कल दोपहर 2:56 तक रहेगी। आज प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। आज 1:54 का प्रदोष काल है। प्रदोष काल का तात्पर्य है कि सायंकाल शाम 5:25 से रात 8:05 तक जो प्रदोष काल है उसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। अच्छा, वृषभ लग्न में भी दीपावली पूजन करना शुभ होगा। लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त आज शाम 5:35 से 7:29 तक भी है। दीपावली पर स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजा करने से देवी का घर में अस्थाई वास हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दीपावली का पूजा का महानिशीथ काल मुहूर्त। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये चार प्रकार की रात्रियां होती हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तो महानिशीथ काल मतलब अर्धरात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभकारी माना जाता है, और महानिशीथ काल में माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ काली की पूजा का भी विधान है। आज रात यह मुहूर्त 53 का है। महानिशीथ काल, महानिशीथ काल रात 11:39 से रात 12:32 तक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर समय लक्ष्मी की पूजा अपने घरों में सिंह लग्न में ही करते हैं। सिंह लग्न एक स्थिर लग्न है और लक्ष्मी की पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। तो लक्ष्मी की उपासना सिंह लग्न में भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी है। सिंह लग्न रात 12:07 पर शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:27 तक रहेगा। इसमें भी जो लोग लक्ष्मी की पूजा करें या लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या श्री सुक्तम का पाठ करें या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें, जितना भी लक्ष्मी से संबंधित उपासना विधि है, यदि सिंह लग्न में आप जागरण करके करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे साल आपकी मनोकामना दिन प्रतिदिन महालक्ष्मी की कृपा से सद्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक चौघड़िया मुहूर्त भी है। ये चौघड़िया मुहूर्त महाराष्ट्र में और पश्चिमी भारत में ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। आमतौर पर इसमें अमृत और चर लग्न जो है इसको ज़्यादा देखा जाता है। शाम 5:25 से रात 10:26 तक अमृत और चर लग्न है। लाभ लग्न की बात करें तो रात 1:46 से मध्य रात्रि 3:26 तक का समय ये लाभ लग्न का माना जाएगा। इसमें भी लक्ष्मी पूजा करने से अस्थाई लक्ष्मी का वास होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।